धर्माधिकारी कथा व्यास शिवम तिवारी श्री जी महाराज ने आम नागरिकों से एवं सागर वासियों से अपील की कि दो डस्टबिन व कचरा गाड़ी का प्रयोग कर एक जिम्मेदार नागरिक का उदाहरण दें। महाराज श्री ने बताया कि पहले से अधिक लोग अब जागरूक हो रहे हैं, शहरों की गलियों सड़कों पर अधिक स्वच्छता है। वो समय दूर नहीं जब सागर कचरा मुक्त होगा। आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा सागर स्वच्छता में नंबर वन आने की कगार पर है। नंबर वन कब आएगा? जब हम और आप ये महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है, पहले की अपेक्षा सागर की हर एक गलियां स्वच्छ और सुंदर दिखाई देने लगी हैं। इसके लिए लेकिन हम सबको और जागरूक होना पड़ेगा। ये जो घर का कचरा है वो आसपास ना फैलाएं। जिस प्रकार हम अपने घर की सफाई करते हैं, उसी प्रकार ये सागर भी हमारा अपना घर है। सागर नगर निगम एवं स्मार्ट सिटी ये महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, जिसमें हम सबको आगे आकर के नगर निगम का सहयोग करना चाहिए। कचरा अपना कचरा गाड़ी में ही डालें और इस सागर को स्वच्छता में नंबर वन बनाएं। मैं कथावाचक शिवम तिवारी आप सबसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, कृपया पॉलीथिन मुक्त भारत और सागर को स्वच्छ बनाएं। सागर स्वच्छ होगा तो ही हम सब स्वस्थ रहेंगे। स्वच्छ भारत, स्वस्थ सागर।